उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के का जबरन सेक्स चेंज करवा दिया गया। लड़के का आरोप है कि ओम प्रकाश नाम का एक आदमी उसे बहाने से अस्पताल ले गया। लड़का रात में सो गया, सुबह उठा तो वो लड़की बन चुका था। उसका प्राइवेट पार्ट काट कर जबरन सेक्स चेंज करवा दिया गया। क्या है पूरा मामला, ओम प्रकाश ने आखिर ऐसा क्यों किया, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स ने क्या कहा, सब जानेंगे इस वीडियो में। लड़के का नाम मुजाहिद है, उम्र 20 बरस है। मुजाहिद मुजफ्फरनगर के भोपा रोड की एक पेपर फैक्ट्री में काम करता था। ओम प्रकाश भी उसके साथ उसी फैक्ट्री में फोरमैन था। दोनों में दोस्ती हुई और पिछले 2 साल से ये दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ वक्त तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश मुजाहिद को परेशान करने लगा। मुजाहिद का आरोप है कि ओम प्रकाश ने उसके साथ गलत काम किया। अगर वो कुछ बोलता था, मना करता था, तो ओम प्रकाश उसको जान से मारने की धमकी देता था। उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता था। मुजाहिद ने पुलिस के पास जाने की बात कही तो ओम प्रकाश ने कहा कि अगर मुझे जेल हो भी गई तब भी मेरे लोग तुझे मार डालेंगे। मुजाहिद इससे घबरा गया और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। 2 साल बाद 4 जून 2024 को ओम प्रकाश ने मुजाहिद से कहा कि उसके शरीर में कुछ दिक्कत है जिसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। मुजाहिद मान गया और ओम प्रकाश के साथ पास के बेग राजपुर मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया। उसे अस्पताल में एडमिट किया गया, वो रात में सोया। 4 दिन बाद 9 जून को जब उसकी आँख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। दरअसल मुजाहिद को एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल पाया। मुजाहिद ने ओम प्रकाश से पूछा कि मेरा किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। ओम प्रकाश ने कहा कि मैंने तुम्हें लड़के से लड़की बना दिया है और अब तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। अब तू ना यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ना तुझे रिश्तेदार पूछेंगे ना कोई बिरादरी से पूछेगा, वकील तैयार है, अब तुझे मुझसे कोर्ट मैरिज करनी है। ये सुनकर मुजाहिद को कुछ समझ नहीं आया। उसने जैसे तैसे एक फ़ोन का जुगाड़ किया और अपनी माँ को कॉल किया, उन्हें पूरी बात बताई। घर वाले तुरंत मुजाहिद के पास अस्पताल पहुँचे, उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे मुजफ्फरनगर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मामला बढ़ा तो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मुजाहिद को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, उसकी आर्थिक सहायता की जाए, साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहिद के पिता ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद मंसूरपुर थाना के इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने दिल्ली देहरादून हाईवे के शाहपुर कट से ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में ओम ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसे मुजाहिद से लगाव हो गया था, इसलिए उसने उसका पिता बनकर अस्पताल में उसे एडमिट कराया, कागज़ों पर हस्ताक्षर किए और उसका लिंग परिवर्तन करा दिया। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ओम शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। वहीं इस पूरे मामले पर बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज का भी जवाब आया है। हॉस्पिटल प्रशासन ने धोखे से मुजाहिद की सर्जरी करने की बात से इनकार किया है। संस्थान के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी CMS डॉक्टर कीर्तिगिरी गोस्वामी ने कहा कि हमारे यहाँ सांझक गांव से मुजाहिद नाम का मरीज करीब 2 महीने पहले से आ रहा है। डॉक्टर रजा फारूकी जो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर हैं वो उनको दिखा रहा था। मुजाहिद खुद को फीमेल मानता था, उसे अपना सेक्स चेंज कराना था। नियम के तहत सबसे पहले उसे साइकियाट्री के डॉक्टर के पास भेजा गया जो हमारे मेडिकल कॉलेज के नहीं थे। डॉक्टर फारूकी ने मुजाहिद को मनोचिकित्सा के 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास भेजा था। डॉक्टर कीर्तिगिरी ने बताया कि ये सब मरीज की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। मनोचिकित्सक ये देखते हैं कि मरीज सेक्स चेंज सर्जरी के लिए फिट है या नहीं, उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है। उनके मुताबिक दोनों मनोचिकित्सकों की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर रजा फारूकी ने मुजाहिद की भी सहमति ली थी। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि उनके पास मुजाहिद की सहमति का वीडियो भी है। डॉक्टर कीर्तिगिरी ने यह भी बताया कि 4 जून को मुजाहिद अस्पताल में भर्ती हुआ और 6 जून को उसकी सर्जरी की गई। इसमें सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। ऑपरेशन के बाद मुजाहिद की कंडीशन सही है। अब अस्पताल प्रशासन की बातों में कितनी सच्चाई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। यहाँ पे एक प्रकरण था जिसमें एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया गया और लिंग परिवर्तन से संबंधित, तो उसमें उनके परिजनों का आरोप था कि एक अन्य व्यक्ति द्वारा गुमराह करके यहाँ ऑपरेशन करा दिया गया। इसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने हेतु यहाँ पे धरना दिया गया था।
और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो ले ली गई है और उनके उन आरोपों के संदर्भ में आगे जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल के आ जाएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।